हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड एंड ट्रैवल्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे नीदरलैंड्स का लोकल वीकली मार्केट, वो भी बिफोर कोरोना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड 19 के आने के बाद में हमारे सबकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा है। वैसे ही नीदरलैंड्स का जो लोकल मार्केट लगता था उसमें भी बहुत चेंज आए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कोरोना आने के पहले यहाँ के मार्केट में कितनी रौनक थी और कितने लोग यहाँ के खुश थे, और आफ्टर कोविड 19 मार्केट में क्या चेंज आए हैं, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगी, आप उसे जरूर देखिए। नीदरलैंड्स अपने चीज के लिए बहुत फेमस है। आप अगर यहाँ पे आए तो यहाँ का चीज़ ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत सारी वैरायटी का चीज़ हमें यहाँ पे मिलता है। देखिए कितनी सारी वैरायटी है। यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ वैरायटी की ब्रेड अवेलेबल है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको फ्रेश ब्रेड भी उपलब्ध होगी। यहाँ पे हमें लॉट्स ऑफ वैरायटी के फ्रूट्स और सब्जियाँ अवेलेबल हो जाएगी, और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे सामान मोस्टली इम्पोर्ट होके आता है, तो हमें 12 ही महीने सारी सब्जियाँ और सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं। कुछ सब्जियाँ और फ्रूट यहाँ पे ऐसे मिलते हैं जो यहाँ के सुपरमार्केट में हमें नहीं मिल पाते हैं, और वो सब्जियाँ हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, जैसे कि हमारा हरा हरा धनिया, वो भी खूब सारा। यहाँ पे हमें आम भी मिल जाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट इंडिया के आम जैसा बिल्कुल नहीं है। आम खाओ या आलू खाओ, लगभग बराबर है। तो यहाँ पे जो पीपल रहते हैं वो इंडिया के आम को बहुत मिस करते हैं। तरह तरह के चॉकलेट्स और खूब सारी कैंडियाँ हमें यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत सारी वैरायटी की चॉकलेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ ही में खूब सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लगभग हर वैरायटी का ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मसाले भी मिल जाएंगे, सब्जी वाले मसाले जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, या फिर हमारे खड़े मसाले, वो भी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे बुकेज या पौधे मिल जाएंगे। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो यहाँ से आप बहुत सारे पौधे खरीद के अपने गार्डन में लगा सकते हैं। फूल और पौधों के साथ में यहाँ पे हर टाइप का बीज भी अवेलेबल है, तो आप अपने गार्डन को अपने पसंद के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की बेडशीट, कपड़ों के अलावा हमें यहाँ पे कॉस्मेटिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी मिल जाते हैं। लॉट्स ऑफ वैरायटी की ज्वेलरीज, हैंडबैग, पर्सेस, वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप शॉपिंग करते करते थक गए हैं तो यहाँ पे आपके नाश्ते के लिए फ्राइज, स्मूथीज, इसका भी इंतज़ाम है। यहाँ पे मोस्टली ओपन रेस्टोरेंट होते हैं, लोग अंदर रेस्टोरेंट में बैठने से ज़्यादा बाहर बैठना पसंद करते हैं, और गर्मियों के दिनों में तो हमेशा बाहर ही बैठते हैं, तो आप यहाँ बैठ के खाने का मज़ा ले सकते हैं और व्यू भी देख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आफ्टर कोविड 19 नीदरलैंड्स के लोकल वीकली मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।